तो एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन है उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर की झील पर सैर करा रहा हूँ और सामने पहाड़ियाँ सुलग रही है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पहाड़ियाँ जबरदस्त सुलग रही है। देखते देखते टाइगर हिल जो पहाड़ है ये पूरा आग की चपेट में आया है। हम थोड़ा सा पास जाके भी हम देखेंगे, करीब हम 1 किलोमीटर झील के पास जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे क्या कुछ पहाड़ियों में चल रहा है। लेकिन अभी का जो दृश्य है वो बड़ा ही मार्मिक है, क्योंकि हमारा जो शहर है वो हरा भरा ग्रीन सिटी स्मार्ट सिटी झीलों की नगरी मेवाड़ कई नामों से जाना जाता है। नियमित साफ सफाई और हमारे शहर में आप देखेंगे कि कितने मनपसंद हो जाते हैं जब भी कोई घूमने के लिए आता है। वो देखिए साफ सफाई वाले हमारे बुआ जी लगे हुए हैं। धन्य है मेवाड़ की यह माटी, इसे माथे पे लगा लो। यहाँ गाई जाती है वीर गाथाएं महाराजाओं की, इसे हृदय में उतार लो। मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान देने वाले ऐसे वीर महावीर इस मेवाड़ की नगरी में जन्मे, जिन्होंने जन्म लेकर पूरे मानवता की लाज रखी और भारत की शोभा बढ़ाई है। ऐसे वीर महावीर प्रतापी को नमन करो बार बार। देखिए कितना सुंदर नजारा है, ऊंट पर सवारी, बड़ा ही आनंद है यहाँ का। यहाँ आप देखेंगे तो प्राचीन ऐसा लगेगा हम बहुत पीछे चले गए राजा महाराजाओं के जमाने में, हाथी घोड़े पर बैठने के बाद आनंद की अनुभूति। और सामने सुलग रही है पहाड़ियाँ, सजनगढ़ जैसा दृश्य, पूरा टाइगर हिल वाला पहाड़ जो है पूरा सुलग रहा है। हमारे देश में कैसे लोग हैं, एक तरफ तो मछली को दाना डाल रहे हैं, दूसरी तौर मछली पकड़ते हुए, अरे बाप रे, ये कैसा देश है हमारा, जहाँ धर्माती भी है और पापी भी है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पहाड़ियाँ धू धू कर जल रही है, ये देखिए कैसे पूरा आप देखेंगे किस प्रकार से पूरी पहाड़ियाँ धू धू कर आग की चपेट में है। जहाँ पे भी आप देखेंगे आग ही आग आपको दिखाई दे रही है और धू धू करके पहाड़ियाँ जो है पूरी जल रही है। बहुत दूर है, हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दृश्य बहुत ही मेरे कैमरे पे आप हल्का हल्का देख पा रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ियाँ देखो जलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और अभी तक कितने जीव जंतु छोटे बड़े उसमें शहीद हो गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है प्रशासन का कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हेलीकॉप्टर सब है, व्यवस्थाएँ रखी गई है, दमकल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान, लेकिन हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा सकती है कि कैसे धूं धूं करके जल रही।
तो ये पहाड़ियाँ सुलग रही है,